आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पाकुड़ विधानसभा के साहिबगंज जिले में कांग्रेस का तिरंगा पद यात्रा निकाला गया। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जनाब आलमगीर आलम का तिरंगा पद यात्रा बरहरवा मस्जिद चौक झिकटिया होते हुए पतना चौक से स्टेशन चौक तक निकाला गया। मीडिया को संबोधन में मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि देश की आज़ादी को 75 साल होने पर पूरा देश इस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। पाकुड़ विधायक प्रतिनिधि बरकत खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा, प्रखंड अध्यक्ष अशोक दास एवं कई अन्य गणमान्य लोग इस पद यात्रा में मौजूद थे। वहीं विधि व्यवस्था में बरहरवा SDPO प्रदीप कुमार उरांव, थाना प्रभारी रविंद्र कुमार, सैफुद्दीन खान दलबल के साथ मौजूद रहे। आज़ादी के 75 वर्ष और आप जानते हैं कि 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा 75 वर्ष आज़ादी का गौरव यात्रा का कार्यक्रम चला रहा है और ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के कस्बा से लेकर शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर सभी जगह हो रहा है और उसी का एक कड़ी है जो आज बरहरवा बाजार में हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है। आज़ादी का इतिहास जो है, जैसे हमारी उम्र के जो लोग हैं या हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, हम उनको उस बात को स्मरण कराना चाहते हैं जो नए पीढ़ी के नौजवान जो है, आज़ादी कैसे हमें प्राप्त हुई है और उसका कंसेप्ट, उसके विचारधारा क्या रही है, उसके बारे में जन जन तक हम पहुँचाने की काम करें। आज़ादी का इतिहास को अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पहले तो उन शहादत लोगों को हम नमन करना चाहेंगे जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानों को कुर्बान देकर इस देश की आज़ादी के लिए रास्ता साफ किए, उसका नमन करते हैं। हमारे बड़े बड़े नेताओं को भी नमन करते हैं, महात्मा गांधी जी को भी नमन करते हैं। उन्होंने लोगों ने देश का आज़ादी के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक विचारधारा बनाकर उन्होंने लड़ा था और देश को आज़ाद किया और उसके बाद हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी और ये देश जो है एक लंबा चौड़ा देश है। यहाँ पर हजारों तरह की बोली बोलते हैं, हजारी विचार के लोग रहते हैं, रहन सहन, खान पान, आस्था अलग अलग है, फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं। यही विचारधारा हम देश को और यहाँ के नौजवानों को समझाने के लिए गौरव यात्रा का हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। आज आप और हम जानते हैं कि हमारी विचारधारा क्या थी। दुनिया लोग कहते थे कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही हमारा कॉन्सेप्ट। हम अलग अलग तरह के लोग होते हैं, खान पान बोली चाली रहने के बावजूद हम भारतीय हैं, इस बात को हम सारे लोग को बताना चाहते हैं और हमारा मंत्रमुग्ध था अनेकता में एकता की भाईचारा हमारा मंत्र था और जज्बात था कि देश को आज़ाद करके रहेंगे और आज़ादी हमें प्राप्त हुई और इस सीख को हम जो है जन जन तक विशेष करके नौजवान को देने का हम लोग अपील करते हैं। अंतिम में देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आज़ादी के अमृत में? आज़ादी का ही कौन संदेश है, आज़ादी किस लिए हम प्राप्त किए थे, संदेश क्या देना? संदेश यही देना चाहते हैं, आज़ादी हमें प्राप्त हुई है एकजुट मिलकर हिंदुस्तानी, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे हिंदुस्तान की रक्षा करना, इसको सर्वोदय रक्षा करना या इसका भी